और चुनावी यहाँ पर जो दंगल भी शुरू होने जा रही है, इस हवाले से बनिहाल से भारतीय जनता पार्टी विजय की यात्रा शुरू कर रही है। बनिहाल की जनता रसूल वानी के अत्याचारों से पहले ही ग्रस्त है। कईयों ने सरकारें बनाई लेकिन बनिहाल का भला नहीं किया। बनिहाल का इस्तेमाल सत्ता में जाने के लिए किया। निश्चित रूप से आज पूरे देश के अंदर पिछले 3 लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में लगातार कांग्रेस एक्सपोज हुई है और राहुल गांधी के नेतृत्व में लगभग 1.5 दर्जन चुनाव हारी। यहां पर भी एनसी और कांग्रेस ने गठबंधन किया, पीडीपी को भी गठबंधन में लिया और जनता ने तीनों को नकारा है। आज लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता नहीं खुला, एक भी बंदा उनका जीत नहीं पाया। पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती जी जो मुख्यमंत्री रही वो भी चुनाव हार गई। एनसी के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला साहब जो खुद मुख्यमंत्री रहे, जनता ने उनको भी नकारा है। ये जम्मू कश्मीर की जनता का फतवा है कि ना अब्दुल्ला खानदान चलेगा, ना मुफ्ती खानदान चलेगा, ना नेहरू खानदान चलेगा, या नेहरू गांधी खानदान को भी नकारा है। इन 3 खानदानों ने जो लूट का राज, भ्रष्टाचार का राज, अहंकार का राज, तानाशाही का राज जो चला रखा था, अब जनता इनको नकार चुकी है। अब जनता नरेंद्र मोदी जी के विकास विश्वास के राह पर चली है। आज वो जम्मू कश्मीर जिसे स्वर्ग कहा जाता है, इन 3 परिवारों ने, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और कांग्रेस नेहरू परिवार, इन 3 परिवारों ने दहकते शोलों पर फेंक दिया था, दहकते शोलों पर भाई भाई को लड़ाया था। यहां तक कि बड़े बड़े नेता आतंकवादियों के कागज उनकी मोहरों पर चल रहे थे, जो आतंकवादियों को पनाहें दे रहे थे, उन लोगों को जनता ने नकार दिया। इन नेताओं ने जम्मू कश्मीर को दहकते शोलों पर फेंक दिया, टेररिज्म कैपिटल बना दिया था, विश्व का टेररिज्म कैपिटल कहते थे। मेरे इस स्वर्ग को नजर लगा दी थी, आज उस टेररिज्म कैपिटल से टूरिज्म कैपिटल तक का सफर मोदी जी के नेतृत्व में हमने किया है। और आप देखिए, एक समय था अब्दुल्ला खानदान, मुफ्ती खानदान, गांधी नेहरू खानदान बायकाट की राजनीति से सत्ता में पहुंचता था। आज वही जम्मू कश्मीर है जहां ये बायकाट कराते थे, आज हजारों लोग वोट करने के लिए निकले, लाखों लोगों ने अपना वोट दिया है। ये एक बड़ी जीत है, ये मोदी जी के विश्वास की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है, ये 370 और 35 से टूटने के बाद की जनता की मोहर है। लेकिन ये तीनों परिवार अभी भी पाषाण युग में जी रहे हैं। इन्हें लगता है जनता वोटर नहीं, दास है, एनसी का वर्कर नहीं, इनका दास है, इंप्लॉय है। जनता अब लोकतंत्र की राह पर चली है और इन 3 परिवारों का सुफड़ा साफ इस चुनाव में भी होगा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 370 जम्मू कश्मीर में, इसकी वजह से मिलिटेंसी है, लेकिन 5 साल भी गुजर गए, लेकिन अब मिलिटेंसी जो है सो जम्मू में पनप रही है। पिछले काफी वक्त ऐसा है कि जिस तरह यहाँ विकास और विश्वास बढ़ा है, जो लोग 7 दशक आतंकवाद की खेती करते रहे, अलगवाद की खेती करते रहे, वो बौखलाहट में यहां पर घटनाएं कराने का प्रयास कर रहे। पाकिस्तान आखिरी हारी हुई लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहा, पाकिस्तान के इन मंसूबों को, इन षड्यंत्रों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। निश्चित ही जिनके हाथ में हथियार हैं, जो हमारे नागरिकों की हत्याएं कर रहे हैं, उन पर हमले कर रहे हैं, हमारे सुरक्षा बल के जवानों पर हमले कर रहे हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे।
एक एक को चुनकर कब्र में पहुंचाया जाएगा। हमारे नागरिक, जम्मू कश्मीर के नागरिक हमारे लिए बहुमूल्य हैं, उनकी रक्षा की जाएगी और जो लोग उनकी हत्या करना चाहते हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने आतंकवाद भी समाप्त किया है, आतंकवादी भी समाप्त किए हैं, आतंकवाद की आयु भी कम की है, आतंकवादियों की आयु भी कम की है, जो नए घुसपैठिए आए हैं वो भी जल्द समाप्त होंगे। जम्मू कश्मीर को किसी भी सूरत में अब नजर लगने नहीं दी जाए।